अपीचेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाक साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवसित ही सह नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक भगवत गीता के नौवें अध्याय का तीसवां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसी अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अपीचेत सुदुराचारो अर्थात अति दुराचारी भी यदि भजते माम भाक अर्थात भजता है मुझे नहीं किसी अन्य को स मंतव्य अर्थात साधु ही उसको मानो सम्यक व्यवसितो हो ही सह अर्थात उचित संकल्प ही है उसका तो इस श्लोक में श्री कृष्ण पश्चाताप के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो यहाँ पर पश्चाताप की शक्ति को समझा रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं वह भी यदि अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है अर्थात वह केवल मेरी पूजा करता है और किसी की भी नहीं तो ऐसा व्यक्ति भी वास्तव में साधु ही कहलाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो क्या जो प्रण है वह उचित प्रण है उसने जो संकल्प लिया है वह उसने उचित संकल्प लिया है तो हमें यहाँ पे जो समझना है वह यही है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं जो भी जीव जंतु हैं वह सभी आप देख सकते हैं कि उनका एक उनका एक अतीत है और उनके अतीत में हो सकता है कि उन्होंने पाप क्यों वास्तव में हम सभी पापी तो हैं ही हम सभी ने अपने अतीत में कोई ना कोई पाप तो किया ही होगा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसने कि पाप ना किया हो तो पाप सभी ने किया होता है किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने पाप के लिए पश्चाताप करता है और सच्चे मन के साथ में श्री कृष्ण की पूजा करता है तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में साधु ही कहलाता है आप उसको पापी सदा के लिए नहीं कह सकते हैं वास्तव में हमें जो समझना है वो यही है कि जो पापी होता है और जो साधु होता है उनके बीच का अंतर केवल इतना होता है कि जो साधु है उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया जबकि जो पापी था उसने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो जन्म से ना तो कोई साधु होता है ना ही कोई पापी होता है किंतु जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति जो होते हैं वह उन परिस्थितियों के लिए प्रतिक्रिया करते हैं और इस प्रतिक्रिया के अंतर के द्वारा ही साधु और जो पापी होता है उसका अंतर बनता है हमारे भीतर सभी के भीतर प्रवृत्तियां हैं और ये प्रवृत्तियां जो होती हैं उनके द्वारा यदि हम कार्य करते हैं और एक पशु प्रवृत्ति के द्वारा यदि हम कार्य करते हैं तो हम पाप कर देते हैं कई बार और कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है वह आरंभ में तो अज्ञानी ही होता है तो जब वो अज्ञानी है तो उस समय पे पाप तो करेगा ही क्योंकि उसके समीप उतना ज्ञान नहीं है किंतु ये जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो सारी घटनाएं होती हैं जो हमारे साथ घट रही होती हैं यह है ईश्वर के द्वारा हमें दिए जा रही शिक्षाएँ होती हैं जिससे कि हम सीख ले सकते हैं ईश्वर हमारे साथ जो भी कर रहा है वह है वह हमें अपने समीप लाने के लिए कर रहा है तो यदि हमें वो किसी ऐसी परिस्थिति में डालता है जहाँ पर कि हम पाप कर दें तो वह परिस्थिति हमें सीख देने के लिए है और यदि कोई व्यक्ति इन परिस्थितियों से सीख लेता है तो वह साधु बन जाता है और यदि वह सीख नहीं लेता है तो वह पापी बन जाता है तो यदि आप अतीत में कई कुछ आपने ऐसा कार्य कर दिया जो कि आपको लगता है कि वह पाप का कार्य था और आप उसके लिए प्रायश्चित करते हैं तो ये जो प्रक्रिया है यही तो आपकी शुद्धि की प्रक्रिया है तो इसलिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि दुराचारी था अतीत में किंतु आज के समय में वह श्री कृष्ण की अनन्य भाव से पूजा करता है तो ऐसा जो व्यक्ति है वह साधु ही है वह उस पूर्ण प्रक्रिया के द्वारा गया है जिसके द्वारा उसका मन जो है वह शुद्ध हुआ है जो पापी होता है वह इनसे सीख नहीं लेता जो साधु होता है वह इनसे सीख लेता है तो अपने जीवन में जो भी घटनाएं हो रही होती हैं उनसे सीख ले करके यदि आप अपने मन को शुद्ध करते हैं तो तब आप साधु हैं यदि आप उनसे सीख नहीं लेते हैं शुद्ध नहीं करते हैं स्वयं उनको पशु प्रवृत्ति में ही रहते हैं तो तब फिर आप पापी ही रहेंगे तो इसलिए आपने यदि अपने जीवन में अतीत में कोई भी पाप किए हैं तो उनके लिए पश्चाताप कीजिए और पश्चाताप करके फिर उन्हें उनसे सीख लेकर के आप आगे बढ़िए और श्री कृष्ण की अनन्य भाव से पूजा कीजिए अपने सब कुछ को श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर दीजिए तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आप साधु की ओर ही बढ़ेंगे श्री कृष्ण यहाँ पे इसी विचार को दे रहे हैं तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं नमस्ते